इस कहानी की शुरुआत में हमें 1982 की गर्मियों का सीन दिखाया जाता है, जहां सैम बेनर नाम का लड़का अपने दोस्त विल कूपर के पास आता है और उसे बताता है कि उनके घर के पास वीडियो गेम शॉप खुली है। कूपर यह सुनकर उसके साथ वीडियो गेम शॉप पर चला जाता है। दोनों बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। कूपर बस स्क्रीन वाले गेम में अच्छा होता है, मगर सैम काफी गेम्स अच्छा खेलता है। सब बच्चे सैम को गेम्स को इतना अच्छा खेलते देख उसके लिए तालियां बजाते हैं। वहीं कूपर सैम को वर्ल्ड वाइड वीडियो आर्केड चैंपियनशिप का टेम्पलेट देता है। वो दोनों चैंपियनशिप में चले जाते हैं। वही हमें लेडलो को दिखाया जाता है, जो लेडी लीजा वीडियो गेम की कैरेक्टर लीजा से प्यार करता है। वहाँ सैम और कूपर आ जाते हैं। कूपर लेडजो को पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुम वंडर किड हो, पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। सैम वंडर किड को उसके ग्रुप में शामिल कर लेता है। वंडर किड बहुत खुश होता है। तभी वहाँ एडी आ जाता है, जो खुद को फायर ब्लास्टर बुलाता है क्योंकि अपने हाथों से काफी तेज गेम्स खेलता है। फिर चैंपियनशिप का होस्ट स्टेज पर आकर बताता है कि आज जितने भी गेम्स खेले जाएंगे नासा के लोग उसकी वीडियो बनाएंगे और उसके साथ 1982 के सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की वीडियो टेप्स को एक स्पेशल शटल में रखकर नासा स्पेस में भेज देगी ताकि दूसरे ग्रह के लोग उसे देख सके। फिर चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है, सब लोग गेम्स खेल रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एडी और सैम के बीच में मुकाबला टाई हो जाता है, इसीलिए उन दोनों का आखिरी मुकाबला डंकी कोंग गेम में करवाया जाता है। शुरुआत में सैम एडी से काफी ज्यादा स्कोर कर लेता है, मगर लेवल सब होने के बाद सैम का स्कोर नहीं बढ़ता और एडी गेम जीत जाता है। फिर हमें कुछ सालों बाद कूपर और सैम को दिखाया जाता है, जो अब उम्र में काफी बड़े हो गए। कूपर अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। कूपर वहाँ से जाने लगता है और बाहर लोग कूपर से काफी नाराज होते हैं क्योंकि कूपर एक काबिल प्रेसिडेंट नहीं होता। सैम वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। फिर हमें गुआम नामक एक जगह दिखाई जाती है, जहाँ आसमान में एक रोशनी दिखती है और उस रोशनी में से कुछ चीजें निकलकर एयरफोर्स के बेस की तरफ जा रही होती है। फिर हमें सैम को दिखाया जाता है, जो नट ब्रिगेड नाम की टीवी लगाने वाली कंपनी में काम करता है और वो आज पेटर नाम की लेडी के घर पर टीवी लगाने आया होता है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल होती है। पेटर का बेटा मेडी सैम को उसके मम्मी पापा के तलाक के बारे में बताता है कि कैसे उसके पापा ने उसकी मम्मी को एक 19 इयर्स की लड़की के लिए छोड़ दिया था। फिर हमें एयरफोर्स बेस को दिखाया जाता है, जहां पिक्सल का हमला होता है। पिक्सल इतने खतरनाक होते कि वो जिस भी चीज से टकरा जाए वो पिक्सल बन जाती है। फिर एक स्पेसशिप आती है, एयरफोर्स का एक सोल्जर उस पर फायर करता है, लेकिन वो शिप उसे अपने साथ ले जाती है। फिर हमें सैम और पेटन को दिखाया जाता है। पेटन सैम को उसके पति के बारे में बता रही होती है। सैम भी पेटन को अपने बारे में बताता है और सैम पेटन के करीब आने की कोशिश करता है, जिससे पेटन सैम से नाराज हो जाती है। तभी सैम को कूपर का कॉल आता है और उसे व्हाइट हाउस बुलाता है। सैम व्हाइट हाउस चला जाता है और पेटन भी व्हाइट हाउस में होती है। पेटन सैम को व्हाइट हाउस में देखकर हैरान हो जाती है। तभी प्रेसिडेंट की असिस्टेंट आकर पेटन को सिचुएशन रूम में भेज देती है और सैम को प्रेसिडेंट से जल्द मिलने के लिए कहती है। पेटन ये सुनकर चौंक जाती है। फिर कूपर सैम को एयरबेस पर हमले की वीडियो दिखाता है। कूपर सैम को वीडियो ध्यान से देखने के लिए बोलकर सिचुएशन रूम में चला जाता है और सबको बताता है कि हमला गैलिगा ने किया है। सब लोग प्रेसिडेंट से गैलिगा के बारे में पूछते हैं। फिर एक आदमी बताता है कि गैलिगा 80s की एक वीडियो गेम है, मेरे पापा ये गेम खेला करते थे। पेटन कहती है कि अभी किसी भी देश के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जो पूरी बिल्डिंग को पिक्सल में बदल दे। एयरफोर्स चीफ एडमिरल कहता है कि ये ईरान की चाल है। तभी वहाँ सैम आ जाता है। एयरफोर्स चीफ से पूछते हैं कि आदमी कौन है। कूपर बताता है कि ये मेरा पुराना आर्केड गेम्स का टेक्निकल एडवाइजर है और इसका नाम सैम है और ये टेक्निकल फील्ड से है। प्रेसिडेंट कूपर बताते हैं कि सैम गैलिगा गेम का वर्ल्ड चैंपियन है और ये हमें बताएगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। सैम उन्हें बताता है कि ये गेम 30 साल पुरानी है और अब इसका कोई वजूद नहीं। वो बताता है कि इन सब मशीनों को उन्होंने इकट्ठा करके इन्हें रिप्रोग्राम किया गया है। एयरफोर्स चीफ प्रेसिडेंट को सैम को बाहर निकलने के लिए कहते हैं ताकि समस्या का समाधान सरकारी लोग कर सके। कूपर सैम को बाहर भेज देता है। सैम अपनी गाड़ी लेकर व्हाइट हाउस से जा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी में पीछे से एक आदमी उसे बुलाता है। सैम डर जाता है और उस आदमी को मुक्का मार देता है और वो आदमी गाड़ी से नीचे गिर जाता है। सैम उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। वो आदमी बताता है कि मैं लेडलो वंडर किड
हूँ। सैम उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसका बचपन का दोस्त है। फिर लेडलो उसे अपने घर ले जाता है। वो दोनों लेडलो के कमरे में जाते हैं। लेडलो सैम को बताता है कि ग्वाम एयरफोर्स बेस पर हमला करने वाला गैली का गेम है। सैम उसे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। लेडलो बताता है कि ग्वाम में मेरा एक और दोस्त रहता है। इस हमले के बाद वो बहुत डर गया, इसीलिए मैंने गवर्नमेंट के सर्वर को हैक किया, जिससे मुझे पता चला कि वहाँ कुछ भी ठीक नहीं था। लेडलो सैम को बताता है कि हम छोटे थे तब हमने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और उसकी वीडियोस स्पेस में भेज दी गई थी, तो मुझे लगता है कि वो वीडियोस एलियंस को मिल गई होगी और उन वीडियोस को देखकर उन्होंने गेम्स का असली वर्जन बनाया और यहाँ भेज दिया ताकि वो हमसे जंग लड़ सके। फिर लेडलो सैम को एक वीडियो दिखाता है जिसमें पिक्सल अवतार होता है कि धरती पर रहने वाले लोगों, ये संदेश तुम्हें मेडुना प्लेनेट से भेजा जा रहा है। हमें तुम्हारा वो स्पेस शटल मिल गया था जिसमें तुम लोगों ने हमें चैलेंज किया था। हमने तुम्हारी जंग का चैलेंज कबूल कर लिया। हम जंग के लिए तैयार हैं। तुम भी तैयार हो जाओ और हारने वाले का प्लेनेट जीतने वाले का हो जाएगा। तुम एक बार हार गए हो, अगर दो बार और हार गए तो तुम्हारा प्लेनेट हमारा हो जाएगा। साथियों ने ये भी बताता है कि अगला हमला 15 घंटे के बाद लंदन में होगा। सैम और लेडलो ये वीडियो प्रेसिडेंट कूपर को दिखा देते हैं और उसे कहते हैं कि हमें इस हमले को रोकना होगा, लेकिन कूपर उन्हें मना कर देता है कि मैं बस एक वीडियो की वजह से पूरी सेना को उनके पीछे नहीं लगा सकता। सैम उसे कहता है कि तुम कम से कम वहाँ के लोगों को सावधान कर सकते हो कि वहाँ कुछ होने वाला है। फिर हमें ताजमहल को दिखाया जाता है जहाँ पिक्सल ने ताजमहल को आधा पिक्सल में बदल दिया होता है। एक लड़का वहाँ वीडियो बना रहा होता है मगर स्पेसशिप आकर उस लड़के को अपने साथ ले जाती है। फिर हमें कूपर सैम और लेडलो को दिखाया जाता है जो पैटर्न के पास आते हैं। प्रेसिडेंट पैटर्न को बताते हैं कि सैम और लेडलो पिक्सल से बचने में हमारी मदद करेंगे। पैटर्न उन दोनों की मदद लेने से मना कर देती है मगर प्रेसिडेंट के कहने पर मान जाती है। फिर पैटर्न उन्हें बताती है कि हम पर हमला करने वाले पिक्सल एक खास इंटेलिजेंस एनर्जी से बने हुए हैं और मुझे लगता है कि एलियन को जो हमारी वीडियो मिली थी उससे ही उन्होंने लाइट एनर्जी पिक्सल बनाकर यहाँ भेज दी है। लाइट एनर्जी से बने होने के कारण इन पर किसी भी प्रकार की गोलियों और मिसाइल्स का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। साथियों ये भी बताती है कि ग्वाम से हमें जो पिक्सल क्यूब मिले थे उनकी रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन जब इन पर सुपर लाइट चार्ज पड़ती है तो ये खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमने नेवी सील टास्क फोर्स को इस हथियार को चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। सैम भी सोल्जर्स को वीडियो गेम्स खेलना सिखाता है और गेम्स के पैटर्न समझाता है। फिर प्रेसिडेंट की असिस्टेंट वहाँ आकर बताती है कि एलियंस की तरफ से एक और वीडियो आई है और उसमें बताया गया है कि आज शाम को लंदन में हमला होगा। इसीलिए सैम लेडलो आर्मी के साथ लंदन पहुंच जाते हैं। एक आदमी आकर उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। आर्मी ऑफिसर हिल उसे बताते हैं कि यहाँ टीवी एड शूट होने वाली है। लेडलो हिल से पूछता है कि आपने उसे झूठ क्यों बोला। हिल कहता है कि हम नहीं चाहते कि जनता में डर फैले। फिर हमें प्रेसिडेंट कूपर को इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर के साथ दिखाया जाता है। दोनों पिक्सल को धरती से भगाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं पिक्सल अब लंदन पर हमला कर देते हैं और सेंडर पिट गेम का रूप ले लेते हैं। सैम सोल्जर्स को कहता है कि उनके सर में गोली मारनी है। उनके शेर पर गोली मारोगे तो उनके दो हिस्से हो जाएंगे, लेकिन सोल्जर्स उन्हें नहीं मार पाते। सैम गेम खेलकर लेवल 1 जीत जाता है और सैम लेडलो को अपने साथ बुला लेता है। लेडलो और सैम मिलकर सारे पिक्सल्स को मार देते हैं और गेम जीत जाते हैं। फिर एलियंस का एक और वीडियो मैसेज आता है और वो बताते हैं कि अगला मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और याद रहे हम पहले ही तुमसे दो मुकाबले जीत गए हैं और अगर एक और जीत गए तो तुम्हारा प्लेनेट हमारा हो जाएगा। प्रेसिडेंट ये वीडियो देखकर सैम और लेडलो को अगला मुकाबला लड़ने के लिए कहता है। लेडलो से कहता है हम हर गेम अच्छा नहीं खेल सकते। फिर वो तीनों एडी प्लांट से मिलने जाते हैं जो अपने बुरे कामों की वजह से जेल में कैद होता है। उसे 20 साल की सजा दी गई थी। कूपर एडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एडी अपनी कुछ शर्तें रखता है। कूपर उसकी शर्तें मान जाता है। तभी पैटर्न को कॉल आता है कि अगला मुकाबला आज रात को होगा न्यूयॉर्क सिटी में। सैम लेडलो और एडी न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनका मुकाबला बैगमैन गेम से होने वाला है। लेडलो बताता है कि बैगमैन को हराने के लिए हमें कार्स की जरूरत होगी। पैटर्न उन्हें बताती है कि हमने पिक्सल्स क्यूब की एनर्जी इन कार्स में डाल दी है जिससे इन कार्स को जनरेटर जैसी पावर मिलेगी। सैम पैटर्न से पूछता है कि हम तो तीन है, फिर ये चौथी कार किसके लिए है।
टाइटन उन्हें प्रोफेसर टोरो ल्यूटानी से मिलवाती है जिन्होंने बैगमैन गेम को बनाया था। फिर वो चारों अपनी कार्स लेकर न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें बैगमैन मिलता है। प्रोफेसर अपनी कार से नीचे उतरकर उसे समझाने लग जाते हैं, मगर बैगमैन प्रोफेसर के एक हाथ को पिक्सल में बदल देता है। फिर सैम लैडलो और एडी तीनों बैगमैन को मारने लग जाते हैं। तीनों अलग होकर बैगमैन को घेरते हैं। एडी बहुत स्पीड से बैगमैन के करीब पहुंच जाता है। पैटर्न ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो इतनी स्पीड में कैसे आया। एडी उसे बताता है कि मैं इस गेम का चैंपियन हूँ। फिर वो तीनों बैगमैन को घेर कर उसे मार देते हैं, लेकिन अभी दो बैगमैन और बचे होते हैं। पैटर्न उन तीनों को बैगमैन की लोकेशन बता देती है और वो तीनों बैगमैन को घेर लेते हैं, मगर बैगमैन पावर पेनेंट खा लेता है जिसके कारण वो 10 सेकंड तक सैम लैडलो और एडी खा सकता है। बैगमैन लैडलो की कार को पिक्सल में बदल देता है और उसे खाने जा रहा होता है। तभी एडी बहुत स्पीड में वहां आकर बैगमैन को मारकर लैडलो को बचा लेता है। अब लास्ट बैगमैन बचा होता है जिसे सैम और एडी को मारना होता है। वो दोनों बैगमैन के पीछे चले जाते हैं। बैगमैन स्पीड से भाग रहा होता है और एडी भी स्पीड से बैगमैन के पीछे आ रहा होता है। तभी बैगमैन दूसरी तरफ घूम जाता है और एडी एक तालाब में गिर जाता है। अब बस सैम बचा होता है। पैटर्न उसे बताती है कि अभी भी 3 पावर पैलेट बचे हुए हैं, संभल कर रहना। सैम तेजी से बैगमैन के पीछे जा रहा होता है और इतने में बैगमैन एक पावर पैलेट खा जाता है। सैम अपनी कार को रिवर्स भगाता है और 10 सेकंड गिरने लग जाता है। बैगमैन भी सैम को खाने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है। सैम एक बिल्डिंग में जाकर अपनी कार को खुदा लेता है। तभी 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं, पावर पैलेट का असर खत्म हो जाता है और बैगमैन सैम को खाता है, जिसकी वजह से वो खुद ही मारा जाता है। सैम गेम जीत जाता है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग सैम के साथ फोटो खींचते हैं और उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। वहीं लैडलो पिक्सल से बना एक क्यूब लेकर आता है और कहता है कि हमें गेम जीतने पर ये ट्रॉफी मिली है। वहीं हमें सैम को दिखाया जाता है जो पैटर्न के बेटे मेडी के साथ बैठा होता है। मेडी गेम्स खेल रहा होता है। सैम उससे पूछता है कि ये कैसे गेम्स हैं, इनमें कोई पैटर्न नहीं है, फिर तुम इन गेम्स को कैसे जीतते हो। मेडी बताता है कैसे खेलो, जैसे तुम्हें जिंदा रहना है। फिर सब लोग एलियन से मुकाबला जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एलियंस का एक वीडियो आता है, उसमें वो कहते हैं कि तुम लोगों ने गेम के रूल्स के खिलाफ जाकर गेम जीती है, जिसकी वजह से तुम हार गए हो। अब तुम्हारे प्लेनेट पर हमारा कब्जा होगा। 12 घंटे में हम धरती पर आकर सारी चीजों को खत्म कर देंगे। ये वीडियो देखकर सब लोग वहां से भाग जाते हैं। एडी भी भाग रहा होता है। तभी उसे रास्ते में मेडी मिलता है और वो एडी से पूछता है कि तुम कहां जा रहे हो। एडी बहाना बनाने लगता है और मेडी उसे कहता है कि कल जब तुम बैगमैन से लड़ते वक्त तालाब में गिर गए थे तो मुझे वहां से तुम्हारी ये चश्मा मिली, मगर जब मैंने चश्मा पहना तो मुझे इसमें कुछ अजीब चीज लिखी हुई मिली, जो चीज दरअसल चीट कोड्स थे, जिसकी वजह से ही एडी तेज भाग रहा था। एडी उसे बताता है कि मैं चीट कोड से खेलता था, इसलिए मैं चैंपियन बना। मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इसे इस्तेमाल किया और जीत गया। मेडी कहता है मतलब तुम अपनी सारी जिंदगी चीटिंग करते रहे। तभी एडी बताता है कि चीट कोड्स की मदद से ही मैंने सैम को हराया था। वहीं एडमिरल सैम पर गुस्सा होकर उसे कहते हैं कि हमारे पास एक मौका था, वो भी तुमने बर्बाद कर दिया। तभी स्पेसशिप आकर मेडी को ले जाती है। फिर हमें पैटर्न सैम और लैडलो को दिखाया जाता है जो मेडी को वापस लाने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। वो क्यूबर्ट को कहते हैं कि तुम जाकर उन्हें रोक दो, पर क्यूबर्ट बताता है कि अब कोई फायदा नहीं। बड़ा जहाज सैकड़ों की तादाद में वीडियो गेम्स के सोल्जर बना रहा है तुम्हारे प्लेनेट को तबाह करने के लिए। पैटर्न कहती है कि हमें उनकी स्पेसशिप में जाकर मेडी को बचाना होगा। फिर हमें एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें से वीडियो गेम्स के बहुत सारे कैरेक्टर नीचे आ रहे होते हैं और सब चीजों पर हमला कर रहे होते हैं। वो आर्मी के हेलीकॉप्टरों के साथ साथ सभी चीजों को पिक्सल में बदलने लग जाते हैं। सैम पैटर्न और लैडलो भी वहाँ जाते हैं। प्रेसिडेंट कूपर भी अब सुपर लाइट चार्ज गन्स लेकर वहाँ जाते हैं। सैम लैडलो को नीचे रहकर लोगों को बचाने के लिए कहता है और सैम पैटर्न और कूपर स्पेसशिप में जाते हैं। लैडलो लोगों को बचा रहा होता है। तभी वहाँ निंजा कैरेक्टर्स आकर स्कूल बस पर हमला कर देते हैं। लैडलो बच्चों की बस को निंजा कैरेक्टर से बचा लेता है। तभी वहाँ लेडी लीजा कैरेक्टर आ जाती है जिससे लैडलो बचपन से प्यार करता था। लैडलो लीजा को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन लीजा लैडलो पर हमला कर देती है। लैडलो लीजा को अपने प्यार के बारे में बताता है और लीजा भी लैडलो से प्यार करने लग जाती है। तभी वहाँ एडी भी आ जाता है और कहता है कि मुझे लोगों को दिखा
माना है कि मैं बिना चीट कोड से भी जीत सकता हूँ, फिर वो मिलकर लोगों को बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेम पैटर्न कूपर और क्यूबर्ड स्पेसशिप के नीचे पहुँच जाते हैं और पिक्सल का एक कैरेक्टर आकर उन सबको कहता है कि अगर तुमने हमारे बॉस को हरा दिया तो तुम तुम्हारे प्लेनेट को बचा सकोगे और हमारे सारे वॉरियर्स खत्म हो जाएंगे। फिर सेम पैटर्न कूपर और क्यूबर्ड स्पेसशिप में चले जाते हैं और मेडी भी वहीं होता है। फिर वहाँ डंकी कोंग गेम स्टार्ट हो जाता है। एक कोंग का कैरेक्टर ऊपर से नीचे ड्रम्स फेंकने लग जाता है। सेम सबसे कहता है कि गेम को जीतने के लिए हमें ड्रम से बचकर कोंग के कैरेक्टर को मारना होगा। सब ड्रम्स के ऊपर से कूदकर सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, लेकिन क्यूबर्ड एक ड्रम के नीचे आकर वहीं गिर जाता है। सेम कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मेडी उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहता है कि ऐसे सोचो कि तुम एक गेम में हो और तुम मरना नहीं चाहते। सेम कहता है कि मैं एंटी प्लांट को भी नहीं हरा पाया था। मेडी उसे बताता है कि एंटी प्लांट एक चीटर है, उसने चैंपियनशिप में चीट कोड यूज करके तुम्हें हराया था और उसने न्यूयॉर्क में भी बैगमैन को मारने के लिए चीट कोड यूज किए थे। फिर सेम एक हथौड़ा लेकर ड्रम्स को अपने रास्ते से अलग करने लग जाता है और सब एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर क्यूबर्ट को होश आ जाता है और पैटर्न क्यूबर्ट को बचाने के लिए नीचे चली जाती है। सेम एक हथौड़ा लेकर कोंग को मार देता है, जिसकी वजह से पिक्सल के सारे वॉरियर्स खत्म हो जाते हैं। साथ ही लेडी लीजा भी खत्म हो जाती है, पर क्यूबर्ट खत्म नहीं होता और लेडी लीजा में बदल जाता है। फिर प्रेसिडेंट सभी को बताते हैं कि एलियन से बात करके हमने ये मसला खत्म कर दिया है और ये इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हमारे पास ऑर्किड्स है। फिर एक साल बाद हमें दिखाया जाता है कि लेडलो और लेडी लीजा के 5 क्यूबर्ट बच्चे होते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।